कब कौन सा एकदम माइंड में हिट कर जाए, कौन सा लॉजिक, वो प्रैक्टिस से आता है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। तो हमें इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, तो आपका माइंड सेट और लॉजिक भी वहीं चलने लगता है। तो आपको भी अपने माइंड को थोड़ा चकमा देने की बहुत ज्यादा जरूरत, ताकि आप वहां जाके नर्वस भी थोड़ा फील करो, तो तब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है। और 26-27 क्वेश्चन आपके ठीक ही होने चाहिए 30 में से। लोग 30 में से 30 भी मारेंगे, 29 भी मारेंगे, तो अगर आप 26 पे बैठक गए तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना ईसी इंस्पेक्टर, एसएससी सीजीएल 2019 से एक्सआई इंस्पेक्टर सिलेक्टेड। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था पिछली वीडियोस में कि मैं आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो एक एक करके बनाऊंगा, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश। तो उसके पहली सीरीज, पहली वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। पहले हम रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो मैंने बताया था छोटा भी टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। अब आप देख रहे होंगे उसकी वेटेज बढ़ गई, सीजन 22 मेंस आने वाला है, तो अब हमें उस पर भी ध्यान देना है। मैं बहुत टू द पॉइंट और क्रिस्प बात करूंगा कि 6-7 मिनट में आपको समझ में आ जाए आपको तैयारी कैसे करनी है। कुछ मैं पॉइंट्स भी लाया हूं अपने लिए कि मुझे क्या क्या बताना है, मैं लिख के एक मिनट में तो देखता रहूंगा मैं। तो करना क्या है कि रीजनिंग से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो रीजनिंग सब बेसिक सबने पढ़ा हुआ हो, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या अलग अलग टॉपिक होते हैं, किसी ने टीचर से पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा सब्जेक्ट देता है, अलग अलग किसी भी कोचिंग से पढ़ाओ, किसी भी उससे पढ़ाओ, क्या बोलते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ होगा। पर तैयारी कैसे करनी है, कैसे हमें इसमें स्कोर हाई से हाई करना है। जैसे कि आप देखते होंगे अब 22 पैटर्न 2022 सीजीएल पैटर्न नए पैटर्न में 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि और 3 नंबर, यानी कि 90 नंबर का अब रीजनिंग आने वाला है। तो हम उसे कैसे टैकल करना है, और 30 में से कम से कम नहीं, कम से कम 26-27 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए, उससे ऊपर भी हो उससे नीचे ना हो, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आप यूआर कैटेगरी से हो तो, आज के कंपटीशन को देखते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसएससी के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां से मिले, तो प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको या तो किरण लेनी या राकेश यादव सर की एक प्रीवियस ईयर किताब आती है, किसी और भी पब्लिकेशन की आप प्रीवियस ईयर किताब से 10 साल का पैटर्न देखो एसएससी में कैसा पैटर्न आया है, उससे आप प्रीवियस ईयर 8-10 साल के आराम से लगाइए और बिल्कुल तसल्ली से अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद। कोर्स मुझे पता है आपने सबने पढ़ लिया होगा, किसी ने यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिन्होंने भी, जिन्होंने वो रीजनिंग पढ़ाई हुई है, तो कोर्स कंप्लीट हो गया। पर अब स्कोर कैसे लाना है, बात ये है प्रीवियस ईयर लगानी है किरण से, नहीं तो राकेश यादव की, राकेश यादव सर की जो किताब आती है और या किसी पब्लिकेशन की आती हो जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेंगे उसके बाद आपको एक अंदाजा पड़ जाएगा एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। कुछ इसमें टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देखोगे क्लॉक हमारे सिलेबस में है, पर मुझे नहीं लगता पिछले 5-7 साल में क्लॉक में से कोई क्वेश्चन आया होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि हमें उसे बिल्कुल भी नहीं अंडर एस्टिमेट करना है, क्योंकि इस बार मेंस में ऐड हो रहा है, 5 सवाल भी बढ़ गए हैं, नंबर भी बढ़ गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं तो इनका भी आपको ध्यान रखना है, जैसे बैंकिंग पैटर्न वगैरह, क्या पता कि वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे दें और 3-4 रिलेटेड उससे पूरा एक 4 या 5 का बना सकते हैं। तो हमें इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। पढ़ लिया आपने, आप 5-7 साल में शायद क्वेश्चन आया हो तो एक आध आया हो, पर आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर ही जरूर करनी है। क्या बताया मैंने, क्लॉक और सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा सीरीज आती है, नंबर सीरीज आती है, अल्फाबेटिकल सीरीज आती है, तो ये आपकी प्रैक्टिस से ही बढ़िया होंगे। कौन सा लॉजिक लगाना है, किस टाइम आपको कौन सा लॉजिक लगने लगे, थोड़ी आवाज हो रही होगी शायद नीचे तो उसे इग्नोर करना। तो होता क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बाद ही जैसे ऊपर सीरीज है या कोई अल्फाबेटिकल सीरीज है, उसमें कब कौन सा एकदम माइंड में हिट कर जाए, कौन सा लॉजिक, वो प्रैक्टिस से आता है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, पर उसमें बेस्ट लॉजिक कौन सा लगेगा वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आपने ये दो टॉपिक बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने हैं। एक और टॉपिक है जिसे सिलोजिज्म कहते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा मुझे पता ही है, उसे भी बिल्कुल नहीं करना है। कई बार क्या होता है बहुत ईजी होता है, पर उसमें 3-4 स्टेटमेंट आ जाए और स्टेटमेंट और कंक्लूजन में, तो वो भी कई बार ट्रिकी बन जाता है, और ऑप्शन अच्छे से सेट कर दें। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा टफ बनाया जा सकता है, थोड़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज करने के लिए एसएससी पक्का कोशिश कर सकती है। तो आपको इसका क्या है, मैंने क्या बताया, प्रीवियस ईयर आपने पक्का सिलेबस पढ़ लिया होगा, प्रीवियस ईयर लगाना है। प्रीवियस ईयर के बाद आपको मॉक टेस्ट लगानी है। मॉक टेस्ट दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप पूरा जो पूरा मेंस का है उसमें लगा सकते हो, रीजनिंग का अलग भी लगा सकते हो।
रीजनिंग के मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं, और जितना भी टाइम है, शायद अब सेक्शन टाइम आ गया है, नहीं आया मैंने देखा नहीं है, जितना भी टाइम उसके लिए अलॉटेड है उससे 2 से 3 मिनट में आपको 30 के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही करने हैं। आपको टारगेट सेट करना है ताकि आप वहां जाके नर्वस भी थोड़ा फील करो तो तब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा रहे। मॉक टेस्ट आप किसके लगा सकते हो, टेस्ट बुक चलता रहता है, टेस्ट बुक के और नो डाउट बहुत अच्छे मॉक टेस्ट है। उसके साथ साथ कभी भी एक मॉक टेस्ट पे स्टिक नहीं रहना है, उसके साथ आप एसएससी ट्यूब जो कि अब ऑली बोर्ड हो चुका है वो लगा सकते हो, रेमो सर का सुपर मॉक है वो लगा सकते हो, या इसके अलावा और भी आता है, एक आता है ग्रेड अप वो भी लगा सकते हो। इनका लेवल ऊपर नीचे होता है, इनमें क्वेश्चंस अलग अलग नेचर के होते हैं, तो आप हर तरीके से तैयार हो सकते हो। जब आप एक तरीके के मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका माइंडसेट कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो आपका माइंडसेट और लॉजिक भी वहीं चलने लगता है, तो आपको भी अपने माइंड को थोड़ा चकमा देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आज आपने टेस्ट बुक का लगाया, अगले दिन आप ग्रेड अप का लगा लो, उससे अगले दिन आप सुपर मॉक का लगा लो, तो ऐसे करके आपको करना है रीजनिंग के लिए। और एक बात ध्यान रखना, जैसे बहुत लोग ए से मतलब ए से जेड तक आपको पता है, ए वन पे होता है, बी टू पे होता है, ऐसे 26 तक होते हैं, तो बहुत लोग ये आपको याद होने चाहिए। जैसे ही आपको पता चले एल 12 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो ये सब चीजें आपको एकदम पता होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, कोई बुराई नहीं है, पर आपको एक स्पर ऑफ द मोमेंट में एक रिस्पॉन्स करना है, तो ये चीजें आपके अंदर कंठस्थ होनी चाहिए, इस पे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये चीजें सब प्रैक्टिस से बढ़ी हुई। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, रीजनिंग को ज्यादा नेग्लेक्ट भी नहीं करना और ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप सबको पता है कि और चारों सब्जेक्ट में देखा जाए तो यही थोड़ा सबसे कम टफ, यानी कह सकते थोड़ा इजी रहता है उनके कंपैरिजन में। इजी का मतलब ऐसे नहीं कोई भी जाएगा कर लेगा, तो कहने का मतलब ये है सिलेबस आपने कंप्लीट करा हुआ है, आपको प्रीवियस ईयर 10 साल के जरूर देखने हैं, किसी भी पब्लिकेशन से देख लो, जैसे 2 किताब मैंने आपको बताई, ऑनलाइन PDFs भी आ जाती है। उसके बाद मैंने आपको 2 या 3 टॉपिक बनाए, उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। 5-6 साल पिछला पैटर्न ऐसा चल रहा था कि उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, पर अब की बार आ सकता है क्योंकि मेंस में ऐड हो चुका है, 5 क्वेश्चन भी बढ़ चुके हैं, 30 हो चुके हैं, तो उससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मैंने बताया 2 मिनट कम से कम, जितना भी टाइम मिलता है उससे 2 मिनट पहले आपको टारगेट करना है, कंप्लीट करना है, और 26-27 क्वेश्चन आपके ठीक ही होने चाहिए 30 में से। कहने का मतलब प्रैक्टिस से आएंगे, पहले दिन ही ऐसा नहीं है कि 30 सही हो जाएंगे, 29 सही हो जाएंगे, 28 सही हो जाएंगे, हो सकता है पहले दिन 20 हो, 21 हो, 22 हो, यही 2-2.5 महीने प्रैक्टिस करते रहोगे। अगर आप डेली 1 घंटा भी रीजनिंग को दोगे, 1 से 1.5 घंटा, वो मोर देन सफिशियंट है। लोग 30 में से 30 भी मारेंगे, 29 भी मारेंगे, तो अगर आप 26 पे भी अटक गए तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। कॉम्पिटिशन का टाइम आपको पता है कितना कॉम्पिटिशन, वैकेंसी भी बहुत आ रही है, पर कॉम्पिटिशन भी बढ़ता जा रहा है, तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो रीजनिंग के लिए बस इतना ही, सीधी बात बताई मैंने आपको, फालतू की इधर की नहीं उधर की, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये नोट्स बनाओ, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जो मैंने आपको सीधा बात बताई है बिल्कुल क्रिस्प बताइए और बिल्कुल टू द पॉइंट बताइए, अगर आप इसे फॉलो कर लोगे आप रीजनिंग में मिनिमम टू मिनिमम 27-28 जरूर ही सही करोगे। उन 2-3 टॉपिक को जो मैंने बताया उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे वापस कहां से आ गया, आना जरूरी था, सीरियस वीडियो तो बना दी, रीजनिंग की तो बना दी। आप लोग सोच रहे होंगे ट्रेनिंग में आज ट्रेनिंग का कुछ बताया नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ऐसी बात नहीं है यार। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करी है, हमारे बंदे साथ में वो भी रिकॉर्ड करते हैं, फनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, रीजनिंग तो सुन लिया, थोड़ा सीरियस भी हो गए, पर उसके बाद थोड़ा फन भी तो चाहिए, पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे हर टाइम, थोड़ा मोटिवेशन लो, एंजॉय करो, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। बस देखो अभी हम एक ट्रिप पे गए थे, वहां पे लॉन्डो ने क्या बकचोदी करी, बस में जाके कहां क्या हुआ, सब देखो और एंजॉय करो यार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, मौज लो। जय हिंद भाई। सारे लॉन्डे चल दिए लखनऊ के टूर पे, सारे बैचमेट अपने, हाँ भाई ललित हाय बोल दे लॉन्डो को। एक जयकारा तो लगा दो, हर हर महादेव। राहुल कुछ बोल दे भाई, आज सैटरडे का दिन था, छुट्टी था, सारे अपने मैचमेट चल रही है, बड़ा इमाम हमारा घूमने जा रहे हैं, और एकेडमी नहीं हमारी बस कर दी है, सारे दिखाऊंगा, सबके ओपिनियन दिखाऊंगा, और देखते हैं किसको कैसा लग रहा है। रुक जा, हाँ भाई बताओ कैसा लग रहा है, इंगे देखना क्यों शर्मा रहा है, मौज आ रही। और देखें भाई बताओ कैसा लग रहा है आपको, भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, ये हमारे फूड सेक्रेटरी है, खाने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था यही कराते हैं हमारे उसमें हॉस्टल में,
जहाँ पर भी जाएंगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक बार पहुँच जाए उधर से लाइट। हाँ भाई, हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल हो रहे हैं? अरे मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ स्मार्ट से लोंडा बैठा है एक, ये हमारे कैप्टन साहब है जिनके नेतृत्व में हम जा रहे हैं, और हमारे दोनों अमनदीप भाई और भरत भाई, कुछ लड़कियां भी हैं, तीन रिप्रेजेंटेशन लड़कियां। और ये हमारे मेन कैप्टन साहब, अजी शकल तो दिखाओ अपनी, और हमारे सरज भाई रूममेट, मौज आ रही है, मजा आ रहा है पूरा। और ये हमारे कुछ भाई पीछे बैठे हुए हैं, बड़ा इमाम बारा से पहले एक अम्बेडकर पार्क में आए हैं, सब आए हैं, बहुत अच्छा पार्क लग रहा है, और अभी एंट्री ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और आ जाओ, हमें एक अपने बंदे से मिलवा दे प्लीज, हमारी वीडियो। हेलो राहुल गोविल, हमारे बैचमेट, आप भी आइए, आप भी आइए, सब आइए, सारे आइए, सारे आइए। हेलो दोस्तों, हेलो बैठिए भाई, सितेज आ गया तो बेल्टिंग करके जरूर जाइयो, सितेज आ गया है। नाम चले लखनऊ में, नाम चले ना चले चला दो, ये सारे लौंडे अपने अपने ही लौंडे अपने ही पैदा करे हुए, देखते हैं क्या होती है, ना करें स्टार्टिंग से जो है पार्क सुंदर लग रहा है, अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। भाई अम्बेडकर पार्क में घुस गए, पर चीज ही बनाई हुई है, बहुत सुपर बनाया हुआ है, बहुत सुपर, बहुत तगड़ा, पहली बार देखा है भाई ऐसा पार्क, हम लोगों एनसीआर वालों के नसीब में नहीं होते ये सब पार्क इतने बड़े बड़े एरिया में। बहुत अच्छा आर्किटेक्चर का प्रदर्शन, मायावती, ऑनरेबल मायावती जो हमारी चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, 2003 में बनाया गया था, तो लगभग 19-20 साल पुराना ये है, और काफी बढ़िया आर्किटेक्चर और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। भाई ये देखो, आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल, इसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, हाथी से स्वागत, देखते हैं चल के, बड़ा आलीशान सा गेट है। ये हमारे कुछ बैचमेट्स बाहर घूम के आ गए, हम अंदर जा रहे हैं, देख इस एंट्री तो बड़ी सही है, पत्थर पत्थर भी बहुत जबरदस्त लगा हुआ है, गेट भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा ये सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, बहुत ही गजब की, ये फिर कुछ हाथी और गौतम बुद्ध, ये कैमरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बहुत जबरदस्त लग रही है, और इधर शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अवार्ड लेते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका एक छाया चित्र, एक ये रही इनकी, एक ये शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फोकस गया, हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फैमिली, एक वो पढ़ते हुए, और ये सामने ये भी कुछ मूर्ति, सुंदर है, काफी सुंदर है। क्या कहना चाहोगे राहुल? दो तीन चार पाँच, पांचों को मेरी तरफ से गोलगप्पे, आज साथ है 2000 का बिल मिला, गोलगप्पे मेरी तरफ से रहेंगे, चटपटे खाने हो चटपटे, मीठे खाने हो मीठे, गोलगप्पे मेरी तरफ से रहेंगे। राहुल लखनऊ के पास आ गए और एक्साइज इंस्पेक्टर राहुल हमें आज गोलगप्पे खिला रहा है, गोलगप्पे मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन। सचिन जोशी भाई गाजियाबाद का भी स्टूडेंट से, क्या कहना चाहोगे सचिन जोशी भाई? आप इधर देखो, सामने देखो, क्या कर रहा है ऋषभ मलिक, का कोई वीडियो डाल रहा हूं, दैट इज द मोस्ट जेन्युइन वीडियो इन दिस, मतलब वो YouTube पे से जेन्युइन वीडियो नहीं हो सकता भाई, मैं बता रहा हूं, इज द मोस्ट जेन्युइन गाय इन दिस इंडिया, इंडिया ठीक है भाई, इंडिया। सचिन जोशी क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया लग रहा है, जेन्युइन गाय तो है भाई, पहले से मतलब थोड़ा हवा बाज है, जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन बंदा, बहुत बेहतरीन।